हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम नॉर्थ इंडियन स्टाइल में नूडल्स, जिसको आप चाउमीन भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया है लंबा लंबा, और शिमला मिर्च ली है मैंने यहाँ पे, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी भी कट कर ली है बारीक। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नूडल्स को बॉयल कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें बॉयल करना है इसको, और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल देना है पानी में, ताकि ये ज़्यादा चिपके ना और अलग अलग रहेंगे। देखिए, नूडल्स हमारे तैयार हो गए हैं, अच्छे से ये पक चुके हैं। अब इसको हम इसका पानी निकाल लेंगे, इसको हम छान लेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ठंडा पानी इसमें यूज कर रही हूँ। ठंडा पानी डालने से इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, तो कि ये जो हैं वो एक दूसरे के साथ में चिपकेंगे नहीं और अलग अलग रहेंगे। बहुत अच्छे नूडल्स बनेंगे ये फ्रेंड्स। अब कढ़ाई तेल देखिए गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने प्याज डाला है सबसे पहले, अनियन को डाल करके हम फ्राई कर लेंगे। इसको हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा ही फ्राई करना है। अब मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च डाली है, शिमला मिर्च डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च को भी ज़्यादा पकाना नहीं है। पत्ता गोभी भी डाल लिया है मैंने। फ्लेम को हाई करके बस इसको आधे मिनट के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए बस हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इन सबको। अब मैंने यहाँ पे नमक डाला है फ्रेंड्स। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आपको खाना पसंद हो। थोड़ा सा मैंने टमाटो केचप डाला है यहाँ पे। रेड चिली सॉस, लगभग 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सोया सॉस डाला है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। फ्लेम को हमें यहाँ पे हाई रखना है। वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकाना नहीं है। अब हम इसमें नूडल्स मिक्स कर लेंगे। थोड़े थोड़ा नूडल्स डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, नूडल्स हमारा बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है फ्रेंड्स। ठंडे पानी से इसको वॉश करने से नूडल्स हमारा चिपकता नहीं है और बहुत ही अच्छा बनता है। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा नूडल्स और डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और लास्ट में यहाँ पे मैं चिंग्स का थोड़ा सा जो मसाला आता है, चाउमीन मसाला आता है, वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इसमें। इससे टेस्ट नूडल्स का बहुत अच्छा आता है। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, देखने में भी कितने अच्छे हैं, खाने में उतने ही टेस्टी होंगे फ्रेंड्स। ये मिलते हैं अपने नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।